कितना दिन से ये स्पाइडर प्लान विदाउट सॉइल, विदाउट वाटर और स्कॉर्चिंग सन में सर्वाइव कर रहा है। ये मेरा एक रेज बेड है जिसमें एलोवेरा, एक गंधराज, एक बर्ड नेस्ट जिसको हम लोग सेंसिवेरिया भी कहते हैं, और एक गुलाब का पौधा इसी रेज बेड में लगा हुआ है। और ये गाय आके मेरा स्पाइडर प्लान का ये ग्रास सब खा लिया था, और ये वही प्लांट है जो इतना दिन तक सर्वाइव कर रहा है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट इंटरेस्ट। ये देखिए गाय आके इसका सब पत्ता खा के गया। और शुरू में जो मैं प्लांट के बारे में बताया था जो कि विदाउट सॉइल, विदाउट वाटर और स्कॉर्चिंग सन में सर्वाइव कर रहा है वो स्पाइडर प्लांट, आज तक ना आपको इसके बारे में कोई बताया होगा ना दिखाया। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो मैं भी एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से तो इसको मैं आउटडोर में नहीं रखता, जो कि बड़े बड़े गार्डनर सबको आप लोग को बताता है कि इसको आउटडोर नहीं रखना चाहिए। आप लोग थोड़ा मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग सोचिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपना स्पाइडर प्लांट को आउटडोर ही रखता हूँ, और शुरू में जो आप लोगों को बताया था स्पाइडर प्लांट विदाउट सॉइल, विदाउट वाटर और स्कॉर्चिंग सन में सर्वाइव कर रहा है, तो मैं एक सोर्स बनाया था पिगी बैंक के ऊपर कि आप लोग पिगी बैंक जब उसका काम हो जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता है, तो उस पिगी बैंक को आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। तो जितना लगाया था तो बाकी का जितना भी ट्यूबर्स था जिसमें से ये ट्यूबर निकलता है, ये ट्यूबर एक्चुअली स्पाइडर प्लांट के नीचे होता है और इसमें पानी स्टोर कर रहता है, जो कि ये पानी स्पाइडर प्लांट को प्रोवाइड करता रहता है, इसलिए जो बताता है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए इसी के लिए। ये देखिए ट्यूबर से पानी निकल आया मेरे हाथ में, ऊपर आई बटन में एक वीडियो है आप जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। और रिसेंटली मैं गार्डन फेंस को इंस्टॉल किया था, तो जब मैं प्लांट सबको स्वीप कर रहा था तो उसी में शायद ये गिर गया होगा और ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन उस वीडियो से ये वीडियो तक जितना दिन हो गया है तो उतना दिन ये सर्वाइव किया है, और ये मैं इसी में रहने दूंगा और देखूंगा और कितना दिन सर्वाइव करेगा। वैसे तो मैं प्लांट्स का हर एक केयर करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अगर आपका प्लांट्स में कभी ये एज बर्न हो रहा है तो ये सनलाइट के कारण हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये बहुत के कारण से आपका लीफ में बर्न हो सकता है या एज बर्न हो सकता है। और ये जो रेज बेड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये शुरू में आप लोगों को दिखाया था तो वही रेज बेड है। अपडेट स्टोरी ये है कि स्पाइडर प्लांट आउटडोर में भी सर्वाइव कर सकता है, और ये इसका जो एज बर्न या लीफ बर्न होता है वो सनलाइट के कारण होता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत से कारणों से भी हो सकता है, ओवर वाटरिंग में भी हो सकता है, अंडर वाटरिंग में भी हो सकता है और सनलाइट के कारण। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह से मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। ये वीडियो मकसद बन गया है कि आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा तो एक भी स्पाइडर प्लांट का वीडियो नहीं है, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो आज मैं इसी टाइम के लिए रुका क्योंकि आप लोग को ये चीज़ दिखा सकूँ कि स्पाइडर प्लांट सर्वाइव कर रहा है विदाउट सॉइल। अगर मैं नहीं रुकता और वीडियो बनाता तो फिर भी ये होता, लेकिन आज मैं बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बहुत लोग बताता है कि इसको आउटडोर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ बताना चाहिए तो बता देते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं। सेम उसी तरह की बनाना पील फर्टिलाइज़र को आप लोगों को यूज़ करना है, लेकिन उसी में भी मैं बताया हूँ कि बनाना पील फर्टिलाइज़र को आप लोग फ्रेशली यूज़ करते हैं तो उसका कोई एनपीके वैल्यू है ही नहीं, फ्रेश बनाना पील में ज़्यादा एनपीके वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू ड्राइड बनाना पील। तो हम लोग फ्रेश में इतना मेहनत करने के लिए बताता है कि उसको काटो, 24 आवर्स तक रखो, फिर या 48 आवर्स तक रखो, फिर उसको पानी को डालो, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सिंपली आप उसको सन ड्राई कीजिए और उसमें से उसका आनंद लीजिए, और ये बिना मेहनत का और ड्राई बनाना पील में ज़्यादा एनपीके वैल्यू है, तो कितना बढ़िया है। तो आप आते हैं इसका केयर के बारे में, तो ये जो मेरा स्पाइडर प्लांट का देख रहे हैं इसको मैं एक मिट्टी के प्लांटर में लगाया हूँ, जो कि मिट्टी का एक पॉट है जिसमें दही आता था, तो उसी में मैं लगा दिया था, तो कितना अच्छी तरह से अभी सर्वाइव। और सनलाइट और वाटरिंग की बात करें तो आप लोगों को प्रूफ दे चुका हूँ, तो मेरे को बताने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें रनर्स निकलता है, तो आप उसी से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बाकी आप रूट डिवीजन मेथड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको फर्टिलाइज़र ना के बराबर चाहिए, फिर भी आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं इसका ग्रीनरी के लिए, तो आप काउडंग मैन्यूर इसको दे सकते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में देना थोड़ा इजी होता है, तो आप लोग पहले इसको चेक कीजिए वाटरिंग, फिर इसको आप काउडंग मैन्यूर लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं।
बाकी आज के लिए वीडियो ख़त्म दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगा, तब तक के लिए डू गार्डनिंग, मेक यूज ऑफ एवरीथिंग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग।